वेलकम डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम होंगे, पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे। आज आपका दिन गुजरे बेहतरीन गुजरे, आप गुजरे ताकतवर गुजरे और सब्र तहमुल के साथ गुजरे आज के दिन। तो आज इंशाल्लाह मैंने दुआ कर होते आजमाने होते हैं और मुझे रिसर्च करने होते, हत्ता खुद पे आजमाने होते सारा कुछ। म्यूजिक थेरेपी के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा, काफ़ी रिसर्च किया, तहकीक की है। वाकई ये बहुत बड़ा असर करते हैं। जो लोग सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि उन पे असर है उस चीज़ का, और असर जो है बहुत ऐसा होता है क्योंकि कुछ म्यूजिक्स का नेगेटिव कुछ का पॉजिटिव होता है, तो उसको समझना होता है, उसके मुताबिक मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। फिर उसके बाद वो जो है जो मैं पढ़ता हूँ तो वो उनके साथ चलते हैं, अल्लाह ताला की जो कलाम होते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला की जो सिफ़त होते हैं, सिफ़ात जो होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें और फीडबैक्स, और फेसबुक पे आपके बड़ी ज़बरदस्त से कमेंट्स आते हैं, बड़े खूबसूरत सी, और वाकई आपने बहुत अप्रिशिएट किए, हमें बहुत सराहा, और हमेशा खिदमतें करते रहते हैं, पेजेस ग्रुप्स बनाते रहते हैं और पता ही नहीं चलते हैं। एक कई ऐसे लोग हैं जो कि वो बड़े अच्छे डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक्स के, बड़े खूबसूरत, और हमें बेचते हैं, जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं उसके पिक्चर्स बेचते हैं बड़े खूबसूरत बना के, वो डेटा लेके। जितना भी हम कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ हैं, हम कराची में हैं, आप कौन हैं, कहें हम लाहौर में रहते हैं, आप कौन हैं, कहें हम इस्लामाबाद में हैं, हम पेशावर में हैं, हम क्वेटा में हैं, कहता नहीं है कि हम कौन हैं। ये इसी कहते हैं मोहब्बत, इंसान हो तो ऐसे मोहब्बत हो। मैं तो ऐसे ही चाहता था अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बेगरज मोहब्बत लोगों की चाहिए, और मुझे हैरानगी होता है फेसबुक पे जाके तो मैं, मेरा दिल को एक ऐसा कुछ हो जाता है, बिल्कुल मेरे दिल को। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत जब इंसान लेते हैं, और मोहब्बत की जो बात होती है, मोहब्बत मोहब्बत की जो ज़िंदगी है, मोहब्बत की जो तरीका है, सलीका है, वो इस तरह होना चाहिए कि बेगरज़ लोग आपसे मोहब्बत करें, बेगरज बेलौस खिदमत करें, और आपके साथ मिल के बेगरज बे किसी किस्म के गरज आपसे मोहब्बत करें। और बेगरज मोहब्बत किसकी, क्यों, कौन करते हैं आपको पता है, सिर्फ माँ ही होती है जो बेगरज मोहब्बत होती है, बस दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ माएँ हैं जो आपसे बेगरज मोहब्बत करते हैं। और ये सच बात कहूँ आपको, मैंने देखा बग़ैर माँ के भी मैंने देखा जो बेगरज मोहब्बत करते हैं मेरे, और ये मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रोज़ा है और इबादत में है हम सब, मैं अपना तारीफ़ नहीं करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला उन लोगों को, अल्लाह उनको सब कुछ वो जो चाहते हैं अल्लाह उनको अता फरमाए। मेरा यही दुआ है उनके लिए, और आप भी दुआ दें कि इसी तरह बेलौस खिदमत जो लोग कर रहे हैं, और उनको पता है, हमें जानते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं, हम क्या कराते हैं लोगों को, क्या पैगाम देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा किस तरह। बहुत से लोग हैं जो कमर्शियल सोचते हैं, और वो कहते हैं कि डॉक्टर समद ने 4000 रुपये रखी है फीस, 4000 रुपये रखी है, बहुत फीस है, बहुत ज़्यादा है। दरहाल के जाके वही शख्स सिर्फ अपने लिए कपड़े लेते हुए 4000 रुपये खर्च करते हैं। मैंने कि अपने खराजात जो आप देख ले तो 4000 नहीं, ऐसे लोग हैं जो ऐसा भी शख्स यकीन माने, वाज़े तौर पे उन्होंने
लिखा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मगर वो 4,000 क्या 4 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मैं कहां से अफोर्ड कर सकूं, क्या कागज़ों से पैसे बनते हैं? अगर कागज़ों से पैसे बनते हैं तो वो हराम होंगे। हमें भी तो कुछ ऐसा चाहिए कि आपको किसी तरीके से पैगाम, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इनके लिए भी तो अखराजात चाहिए। आपको पता है कितना अखराजात करनी पड़ती है, कहीं पर भी आप है, आपका इंस्टीट्यूट है, 5-स्टार होटल में आप लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, सारा कुछ, मुझे भी तो वो चीज़ें चाहिए ना। तो मैं आपको सहूलियात आप देंगे तो मैं आपको दे सकूंगा वो सहूलियात आपके लिए फ्राम, और फिर आपके पैसे से, आपकी ये 4,000 रुपये से किसी के बलहा होते, किसी कोई आ जाते आपके पैसों की वजह से। तो बात ये है, प्लीज़ कमर्शियल मत सोचे, प्लीज़ मेरे लिए कमर्शियल मत सोचे, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, कमर्शियल नहीं सोचना प्लीज़। और रोज़ा है, इबादात है, ये सारे कुछ, और जो यानी जो मोहब्बत करते हैं वो मुझे जानते हैं कि हमारे कितने खराजात है और कितनी सहूलियात दे रहे, क्या दे रहे हैं। एक बीमारी के इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पर 4,000 पे उनका क्रोनिक डिजीज़ जो मेडिकल से भी नहीं होते, हिकमत से भी नहीं हुई, होम्योपैथिक से भी नहीं हुई, किसी और तरीके से भी नहीं हुई, अल्लाह ने क्योर किए, हमारे पास सबूत है, जाके YouTube पे देख के 2,000 से ज़्यादा वीडियोस है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस हैं, आके यहाँ पर आकर रिसर्च करो, हकीकत को समझो, आप आ जाओ इंस्टीट्यूट, आ जाओ सेमिनार, आ जाओ हमारे जो वर्कशॉप होते हैं उसमें आ जाओ, आप देख लो, खुद आजमाओ, खुद देखो कि ये सच है कि नहीं है। और अगर सच है तो मैं समझता हूँ 4 करोड़ भी कुछ नहीं है, इस पर आपको देना चाहिए, जितना भी डोनेशन आप दे सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, जिल सेंसेस को आपको देना चाहिए, आपको साथ देने चाहिए। तो जो मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो मोहब्बत क्यों होती है मेरे से, बेलौस बेगरज मोहब्बत क्यों है उनके मेरे साथ, वजह क्या है? वजह यही है कि वो हर चीज़ को हमारी, जो भी उनको सच का पता है, उनको हकायक का पता है। तो प्लीज़ आप हमें तश्वीक करें, और ज़्यादा छोटी मोटी गलतियाँ हो सकता है इंसान से, माफ़ कर दिया करो, मकसद मैं यानी छोटी मोटी गलतियाँ ही हो सकता है, बोलने में गलती हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल हम कोशिश करते हैं कि कोई ना हो, बस बोलने में कभी कभी अगर ऑनियर होते ही गलती तो माफ़ कर दिया करो सबको ये। मैं तो हम आते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और चलते हैं, हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं हम आज, हम इंशाल्लाह बात करेंगे आपके एनर्जी सेंटर्स पे, लताइफ पे, चाक्रास पे, उस एनर्जी ताकतें जो आपके वजूद में हैं उनको इस माह मुबारक रमज़ान में हम किस तरह की जगा सकते हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो वो क्या है, सबसे पहले हम आते हैं कि एक होती है आपके यहाँ पर एनर्जी सेंटर होते हैं जिसके वायलेट कलर है, और जो यहाँ पर होते हैं जो एनर्जी सेंटर, यहाँ पर जो लतीफ़ा होता है, जो यहाँ पर लताइफ होते हैं, वो लताइफ यहाँ पर जो है आपका और वो है उसका जो इनका जो कलर है ये इंडिगो कलर होते हैं। दूसरा लताइफ है यहाँ पर है उसका कलर जो है इसका कलर ये येलो होती है, और यहाँ पर हार्ट पे जो है इनका कलर होती है हार्ट पे जो है हाँ ग्रीन होते हैं, इसका बिल्कुल ग्रीन होते है इसका जो कलर है और बहुत खूबसूरत कलर है इसका, बहुत ज़बरदस्त कलर है इसका। और ये जो जिगर पे होते हैं ये येलो कलर होता है, मैदे में जो होते हैं वो ऑरेंज कलर है, आई थिंक ऑरेंज कलर है, और जो उससे नीचे होते हैं नाफ से नीचे होते हैं ये इनका कलर जो है रेड कलर है। ये कलर्स को तसव्वुर करते हुए हम इस पर मेडिटेशन करेंगे। दो किस्म के मेडिटेशन है, आपकी मर्जी है कौन से मेडिटेशन करना चाहते हैं,
कौन से मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, इनर या आउटर, दो दो किस्म के। जब इंसान आउट होते हैं अपने से, वो इंसान बहुत से कशमकश में रहते हैं, और जब इंसान अपने अंदर होते हैं वो इंसान कशमकश से जो है कशमकश जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा इनर जो ब्यूटी है हमारे, जो इनर जो ताकतें हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं और अपने मन में डूबकर पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर अपने अपने अपनी ज़िंदगी को सुराग पाते हैं। यह बेस्ट है, बेहतरीन है। सबसे पहले हम अपने अंदर जो लताइफ है उसमें उनको हमने जान लिए और सात कलर्स को हमने जान लिए। आप आते हैं कि इस कलर्स के बेनिफिट्स क्या है। इन कलर के बेनिफिट्स जो के बनते हैं, वाइट और मरून कलर से बनते हैं। ये एक वाइट कलर सफाई का है, नफासत का है, और मैरून कलर पे बहुत खूबसूरत है। इसी तरह आपका जो दूसरे कलर है, ये यानी इस कलर के बहुत बेनिफिट्स है, जो कि आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, ताकत मिलता है। कभी कभी अगर आप शर्ट पे इस कलर के पहने तो अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैरून कलर और ये जो ब्लू ब्लू कलर है, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलते हैं, ताकत मिलते हैं, पावर मिलते हैं। ग्रीन कलर का आपको पता है खुद कि ग्रीन कलर जो है बहुत ताकतवर कलर है, और नेचर का कलर है, ताकत का कलर है, पावर का कलर है, नेचर का कलर है ये। तो नेचर का जो कलर है, उनके करीब रहना, उनको दरियाफ्त करना, उनको तसव्वुर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इससे क्रोनिक प्रॉब्लम्स, ऐसी क्रोनिक से क्रोनिक प्रॉब्लम क्योर हो जाते हैं। येलो कलर जो है, ये कलर जो है, ये एजुकेशनल कलर भी है, और मैदे के और जो जिगर के जो प्रॉब्लम्स है वो क्योर करते हैं, बहुत से क्रोनिक प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। इसी तरह जो रेड कलर है, रेड कलर भी एक ताकतवर तरीन, सबसे ताकतवर तरीन कलर जो है वो है रेड कलर है, सुर्ख कलर। सुर्ख कलर आपके ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां ला सकते हैं और लाते भी हैं। सुर्ख कलर का मतलब ये है कि सुर्ख कलर आपको ज़्यादातर यानी थोड़ा कमर्शियल कलर है। कमर्शियल कलर मीन मस्नूई कलर है। मस्नूई कलर मीन कलर, वो कलर है जो कि आपको मादी तौर पे स्ट्रांग करते हैं, मगर इससे इलाज भी होता है। ऐसा इलाज जैसा कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है। कैंसर ऐसे क्रोनिक प्रॉब्लम जैसा हेपेटाइटिस सी हो गए, बी हो गए, इस तरह के। शुगर मैंने देखा, कहाँ जाता है शुगर भी इससे ठीक होता है क्रोनिक डिजीज, मगर शुगर मैंने देखा कि ग्रीन कलर से ज़्यादा ठीक होता है शुगर, ग्रीन कलर, चूँकि ये मैंने खुद आजमाई, तो मेरे आजमुदा है ये। मगर देखे अगर आपने जो लोगों की आजमाइश है, वो भी तो सारे उनके तजर्बात उनके जो रेड कलर से ठीक होते हैं, वो भी शुगर भी, मगर मेरा तरीका कुछ अलग है, मेरे तजर्बात कुछ अलग हैं, और वो तजर्बात जो है वो बेहतरीन तजर्बात मेरी ज़िंदगी में जो मैंने किए हैं। ग्रीन कलर बेहतरीन कलर है बहुत सी बीमारियों के लिए, और बिलखसूस ग्रीन कलर जो है वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो कि नफसियाती बीमारियाँ होती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। नेचर का कलर है, नेचर के करीब ले जाते हैं इंसान, तो बेहतरीन कलर है और बहुत अच्छे कलर है ये। सबसे पहले आप जो रोशनी को तसव्वुर करते हैं, जो पिछले मैंने प्रोग्राम में बताया था, रोशनी को तसव्वुर करने का
जो सबसे पहला वाइट वाइट बिल्कुल वाइट शाइनिंग खूबसूरत सी रोशनी है ऊपर से आ रहे। आपने आंखें बंद की हुई है, जिस तरह कल मैंने बताया उसी कैफियत में बैठे हुए, ऊपर से वाइट से रोशनी आ रहे अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आप पर रोशनी आ रहे। नूर 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 का तसव्वुर करें, नूर क्या होते, कितना खूबसूरत होते, नूर कितना अच्छा है, नूर नूर का तसव्वुर करें, नूर नूर कितने प्यारे, कितने मोहब्बत का नाम है नूर, कितनी मोहब्बत की कलर है, कितने खूबसूरती नफासत की कलर, वाइट सफ़ेद आप तसव्वुर करें आ रहे और आपके सर तक आ गए। आपके जो ऊपर वाले एनर्जी सेंटर यानी लताइफ है उनसे मिलके नीचे आ गए, इस हिस्सों में आ गए, यहाँ से मिलके आपके इस एनर्जी सेंटर के साथ, इस लताइफ के साथ मिलके इस लताइफ से नीचे आ रहे, यहाँ पर रुक के यहाँ पर घूमते 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 खूबसूरत सा मज़ा भी आता है, बहुत सुकून भी होता है जब ये आते हैं। फिर यहाँ पर से दिल पे आ गए, इस हिस्से में आ गए और इस हिस्से में घूमते रहे, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, खूबसूरत सी कैफियत है आपकी, फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपकी, कल्बी सुकून है, दिली सुकून है, जहनी सुकून है, और एक कैफियत सुकून के होते, एक मज़े के होते, जी चाह रहा होता है इस कैफियत से कभी ना निकले। फिर आते हैं नीचे थोड़े से, सीने से थोड़ा नीचे, मैदे के साइड, यहाँ पर आते हैं पावर, फिर यहाँ से नाफ पर आते हैं और फिर हाथों में आते हैं और फिर पूरी वजूद में मुंतकिल हो जाता है, पाँव तक जाते हैं। ये एक कैफियत, एक खूबसूरती की कैफियत होते हैं, एक अच्छाई के कैफियत होते हैं, हल्का बन के कैफियत होते हैं। हाथ चुनके आपको बताए, सेटेलाइट की तरह बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी पावर, ये एनर्जी लेता भी है, ट्रांसफ़र भी करते हैं, ये लेता है ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये लेते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों दोनों। कभी कभी हम क्लास में आजमाते हैं कि हम दूर से इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो कि आपको खुद हैरानगी होती है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसा मुमकिन है। तो इस वजह से हमें इलाज करनी है, हमें अपना सबसे पहले और दूसरों का जो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्योर हो जाएंगे, रूहानी ताकतें भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। जब आपके बॉडी पूरी की पूरी रोशनी की बन गई, तसव्वुर करें आप बॉडी पूरा रोशनी बनी हुई, रोशनी बनने के बाद आप सेशन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म करते जाएं सेशन को और आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ हिलाएं, पांव हिलाएं थोड़ी सी, फिर गर्दन हिलाएं थोड़ी थोड़ी सी, फिर आंखें खोल लें, आंखें खोलने के बाद खूब हिलाएं और बस आप फिर सेशन को ख़त्म करें। अगला दिन उसी टाइम पे फिर मेडिटेशन करें, दिल ख्वाह नतीजे मिलेंगे आपको, फिर उसी तरह कर लें। कम से कम इसी को आप करते रहना कई दिन तक, आप देखें जब आपको दिल ख्वाह से दिल ख्वाह नतीजे मिले, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगी, काम करना अच्छा लगा, हर काम में आपका जी चाह रहा होगा, दिल चाह रहे हैं आपका हर काम में, तो आप वो काम करते रहना। इसी तरह ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात, खुशियाँ और ताकतें अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे, पावर अता फरमाएंगे, और हम इस तरह के चलते हैं कि किस तरह के हम ये तरीका अपनाएं और ये तरीका किस तरीके से हम बेहतर तौर तरीके से ये कर सके। आज मैं एक और लिंक भी दे दूंगा आपको, बड़ी ज़बरदस्त से इंशाल्लाह एक और लिंक है,
जो कि मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, और हम्द है, हम्द, और वो हम्द रहमान बाबा के हम्द है, और रहमान बाबा के हम्द जो है वो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। हाँ नहीं, आज मैं दुआ दे दूंगा आपको, दुआ दुआ का है, एक दुआ का जो लिंक है मैं इंशाल्लाह वो दे दूंगा। मैं भी दुआ का है या मुझे नहीं पता, रहमान बाबा का है, एक ज़रूर मैं ब्रेक के बाद पता करके आपको बताऊंगा कि आज मुझे कौन सा लिंक देना। इतने ज़बरदस्त है, दोनों अच्छे हैं। एक तो है कि मकसद कि दुआ का है, मकसद एक दुआ है कि आंखों की तलब मौला हमें दिखाई दे, तो किस तरह के हम वो तलब जो हमारे है अल्लाह ताला कैसे पूरा करते हैं, और दुआ की कबूलियत में बहुत बेहतरीन रोल अदा करते हैं। आप ज़रूर इंशाल्लाह दुआएं भी करते रहेंगे, तो मैं इस पर आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत ज़रूरी बात कि आपको और टिप्स बतानी मुझे मेडिटेशन के, रूहानियत के, रूहानी सलाहियतों के हासिल करने के, तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी अभी ब्रेक में कि अब्दुल रहमान बाबा जो आज से तकरीबन 300-400 साल पुराने, उन्होंने एक कलाम जो अल्लाह ताला की सिफत की है, एक हम्द है, बहुत खूबसूरत है, आपको ज़रूर इंशाल्लाह सुनाऊंगा, और मेरी आवाज़ में मैं खुद आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा रहमान बाबा के ये कलाम जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे है, मगर कल इंशाल्लाह, कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में दुआ करेंगे, दुआ, आंखों की तलब मौला हमें दिखाई दे, आंखों की तलब हम मौला हमें दिखाई दे, और ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे, शायद पिछले प्रोग्राम में लिंक दिया कि नहीं, नहीं दिया होगा इंशाल्लाह, इस प्रोग्राम में बड़े खूबसूरत आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम इससे भी फ़ायदा उठाएं, और साथ साथ हम अपने रूहानी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करते रहें, और अल्लाह ताला के और करीब होते रहें हम, और अल्लाह की जो खुशनुदी है, अल्लाह की जो ताकतें हैं, जो इर्द गिर्द नेमतें पैदा की, उससे भी फ़ायदा उठाते रहें। सबसे बड़ी नेमत तो हम खुद हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो है वो इंसान है, जो कि इंसान के लिए एक नेमत के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जो कि ज़हमत के तौर पे काम कर रहे होते हैं, मगर जो नेमत के तौर पे काम कर रहे होते हैं, रहमत के तौर पे काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के रहमत के तौर पे जैसा कि काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह इंसान को ऐसा बना देते हैं कि भी जैसा कि अल्लाह की रहमत है वो, और लोगों के दरमियान घूमते फिरते हैं। तो बात यह है कि हम खुद एक ऐसा इस रहमत के अंदर है और नूर के अंदर है, इस माह मुबारक के रमज़ान में हम खुद एक ऐसा बन जाएं जो कि हम खुद रहमत बने अपने अपनी दुनिया के लिए और अदर्स के लिए, और वो यकीनन हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। आज चूँकि आपका कॉल्स मैं नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से कि मैंने बहुत सारी बातें करनी है आपसे, इंशाल्लाह आपकी कॉल लेते रहेंगे, अगले प्रोग्राम्स में आपकी ज़रूर कॉल लेंगे। आज का मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आज का बड़ी अहम बात करनी है आपसे, और बड़े अहम जो तरीका मैंने बताया था
मेडिटेशन का यही तरीका एक बेहतरीन तरीका है जो कि आपको करना होगा। अच्छा, कैफियत कैसी हो, किस तरह के, जिस तरह के मराकबे जो शरायत होते हैं उसके मुताबिक काम करनी है आपने। मिसाल के तौर पे हवाई से फारिग हो के और एक वज़ू अगर करें तो अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। वज़ू करके आप उस पाक साफ जगह पे बैठें, ढीली ढाले कपड़े जिस तरह मैंने पहने हुए इस तरह के पहन के आराम से बैठ जाएं और पुरसकून कैफियत में बैठें और बॉडी को ढीला छोड़ दें, सब चीज़ों को छोड़ दें, दुनियावी जो भी चीज़ें हैं उसको जहन से निकाल दें, हर चीज़ को छोड़ दें, बस सिर्फ आज आपने अल्लाह की तरफ और अपने ताकतों को जगाने के उस पे फोकस रहना हमने बस। तो सबसे पहले आप इसी तरह इनमें आते रहें जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं। एक वक्त है जो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों से बिल्कुल फारिग हो गए, आ रही होगी, ये इतना अच्छा है अगर आप करते रहें। सबसे पहले तो आपको बेनिफिट्स का पता होना चाहिए इसका। अगर पता नहीं है बेनिफिट्स का तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। पिछले प्रोग्राम्स आपने ज़रूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुन के फिर ये मराकबा करना, उस वक्त तक नहीं करना प्लीज़। और उस प्रोग्राम्स जो है इंशाल्लाह हम रिपीट भी करेंगे, और अगर रिपीट ना हो तो आप यूट्यूब पे जाके, अगर आपके पास सहूलियत है इंटरनेट के, यूट्यूब पे जाके लिख ले डॉक्टर अब्दुल समद, सिर्फ डॉक्टर अब्दुल भी लिखे या समद, डॉक्टर समद भी लिखें तो भी आ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारे चैनल्स हैं, वो चैनल्स, उस चैनल पे जाएंगे डॉक्टर अब्दुल समद चैनल, डॉक्टर अब्दुल समद चैनल पे जाएंगे तो उस चैनल में आपको लिख ले मेडिटेशन टिप्स आप लिखेंगे तो वो सारे प्रोग्राम जितने भी हैं आ जाएंगे। उसकी सर्च बार में लिखें मेडिटेशन टिप्स तो आपको आ जाएंगे वो सारे कुछ। तो और वो रिसेंटली जो भी अभी अपलोड होते हैं तो ऊपर से वॉल के ऊपर ही होते हैं, या फिर फेसबुक पे जाके, फेसबुक पे हमारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें किसी भी वॉल पे बेशक नीचे चले गए होंगे, ऊपर से और पोस्ट आए होंगे, मगर ज़्यादातर जो है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद स्टूडेंट पेज पे, जिसमें 30,000 मेंबर्स हैं, 31,000 मेंबर्स हैं, 30,000 मेंबर्स उसमें मौजूद है। और इस तरह हमारे पेजेस बहुत सारे हैं, और एक ग्रुप है द प्रिंस ऑफ हीलिंग, उसमें भी काफ़ी लोग हैं, कोई 10,000 इस तरह के करीब, कोई 10-12,000 मेरे ख़्याल में उसमें है, समदा हीलिंग में है, और डॉक्टर अब्दुल समद स्पिरिचुअल हीलिंग में उसमें है, काफ़ी मेंबर्स हैं। और साथ ही हमारे पेजेस है उसको ज़्यादा ज्वाइन करें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, डॉक्टर डॉट अब्दुल समद ये, या फिर हमारे द सीक्रेट वर्ड ऑफ हीलिंग एनर्जीज है, समदा लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स है बाय डॉक्टर अब्दुल समद विद डॉक्टर अब्दुल समद, इस तरह के बहुत सारे जो है पेजेज है हमारे ये। और इस पेज समदा हीलिंग सिस्टम पेज है, उस पे जाएं समदा हीलिंग सिस्टम पे, वहाँ से भी होते ही है। एक पेज जो है ना स्टूडेंट्स ने बनाई है, तो उसने अपने खुद छोड़ के अपना मेंबरशिप ख़त्म कर दी, उसने अपना यानी जो एडमिन था वो ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे सपोर्ट करते हैं, जब उनके पास टाइम कम हो जाता है तो वो पेजेस बनाते रहते हैं और फिर हमारे सपोर्ट करते हैं। अब इतना पेजेस है, हम किस पेजेस को संभाल लें समझ नहीं आ रहे होते हैं। बहरहाल ये इनके मोहब्बत है, इनके एक दिली खलूस है हमसे, और बहुत शुक्रिया उनका जो इस तरह करते हैं। आप जाके वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं तमाम के तमाम आप देख सकते हैं, पोस्ट हमारे देख सकते हैं, कोटेशन से इतने ज़बरदस्त से पिक्चर में कुछ ऐसे
खूबसूरत से जो वो है पोइट्स हैं वो बनाते हैं, हम कोटेशंस हैं वो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन सा है। आप उनको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो उससे आपको एनर्जी ताकतें और इन्हांस होते हैं, तो ज़रूर जाएं इंशाल्लाह। और फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करें और साथ ही हमें वो वहाँ पर भी देखें, और बल्कि लोगों को सजेस्ट करें, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट को सजेस्ट करें प्लीज़, हमारे ग्रुप्स को, हमारे पेजेस को, उसकी प्रमोशन करें, बहुत ज़रूरी है, बड़े अहम है, बहुत सवाब भी है और बहुत अच्छी इबादत पे हैं। तो हमेशा इबादत में रहने के लिए इंसान के साथ मोहब्बत करें, और वही इंसान जब इंसान मोहब्बत करता है तो रह जाता है उसी में, तो मोहब्बत जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मोहब्बत करें प्लीज़, मोहब्बत मोहब्बत से आपको मिलते हैं ताकत, पावर, फोर्स मिलते हैं आपको मोहब्बत से, मोहब्बत से आप कामयाब होते हैं, मोहब्बत से आप माली और जो कारोबारी तालीमी रिश्तों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ना कि नहीं हम मोहब्बत करते हैं मगर लोग मोहब्बत नहीं करते, हाँ लोग मोहब्बत इस सूरत में नहीं करेंगे आपसे क्योंकि आप ख़ुद मोहब्बत बदले में चाहते हैं, तो बदले में शायद मोहब्बत ना करें क्योंकि आपकी नीयत ही सही नहीं, तो नीयत मोहब्बत करने है तो बेगरज कर, तो इस वजह से आप मोहब्बत जो आप अपने साथ मोहब्बत करें, बेगरज करें, मोहब्बत करें अपने साथ प्लीज़। मोहब्बत क्या करें कि अपने सेहत का ख्याल रखें, मेडिटेशन करें, अपने नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों से छुटकारा हासिल करें, फारिग हो जाए बिल्कुल, फरागत को हासिल करें, मोहब्बत करें, मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है। और जब इंसान का अपने से मोहब्बत होती है तो उन्हें कल्बी सुकून मिलते हैं, ज़हनी सुकून मिलते हैं, रूह के सुकून मिलते हैं उन्हें, जिस्मानी सुकून होते हैं, एक अच्छी कैफियत में होते हैं और हमेशा वो अच्छी कैफियत में ही रहते हैं। उन पे फिर बहुत से बुरे बुरे लोगों की बुराइयाँ, लोगों की अच्छी उन पे असर नहीं कर सकते, कोई असर नहीं करता, आते हैं टकराते रहते हैं, चलते रहते हैं, जलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, जलते रहते हैं। कोई अगर आपसे जलस से नज़र ही बद है किसी शख्स का या बुरा करता है आपके साथ, वो भी आते हैं टकराते हैं, आपके इतने सुपर पावर बनते हैं, ताकत बनते हैं, उससे टकरा के वापस जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे मिल जाते हैं। तो इसलिए बड़ा एहतियात करना, बहुत बहुत एहतियात करना इस हवाले से। तो मोहब्बत करें, मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, मोहब्बत आपके लिए पावर है, मोहब्बत आपके लिए सोर्स है, फोर्स है। आप इतनी आप में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत की सेंटर से आपके अंदर कहाँ जाते हैं, रिसर्च के मुताबिक आपके 100 ट्रिलियन मोहब्बत के निज़ाम से आपके वजूद, 100 ट्रिलियन मोहब्बत के निज़ाम से आपकी वजूद, 100 ट्रिलियन। और फिर आपका दिल है मोहब्बत, आप तो हम तो सिर्फ दिल ही समझते हैं वो बड़ा, मगर छोटे छोटे सेंटर्स को लेके 100 ट्रिलियन बनते हैं मोहब्बत के सेंटर्स जो आपके वजूद में। फिर इर्द गिर्द हर चीज़ मोहब्बत की है, बस आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आप चाहें तो मोहब्बत बना सकते हैं। फिर आते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया इतनी मोहब्बत से और इतनी मोहब्बत इतनी खूबसूरत बनाए हमें, कितनी मोहब्बत से बनाएंगे आप बताएं, इंसान को ज़रा देखें, ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, खूबसूरती को देखें इंसान की। जब आप इंसान की खूबसूरती को देखते हैं तो आपको मोहब्बत हो जाते हैं। तो क्या जिन्होंने बनाए हैं
उनमें कितने मोहब्बत होंगे आपके लिए जो आपको बनाए, मोहब्बत से ही बनाए हैं ना आपके लिए, दुनिया बनाए मोहब्बत से आपके लिए, आपको खुद बनाए मोहब्बत, आपके आंखें देखे कितने मोहब्बत के हैं, अपने जितने चेहरे को देखे कितने मोहब्बत है, हर चीज़ आपके मोहब्बत के, अपने हाथों को देखो मोहब्बत है, अपने वजूद को देखो मोहब्बत है, अपने हर चीज़ को देखो मोहब्बत नज़र आते हैं आपको इंसान। तो जब इतने सब कुछ मोहब्बत के है, फिर आप क्यों हम क्यों खुदा ना करदा ऐसा सोचे कभी कि नहीं नहीं इंसान तो ऐसा, इंसान तो वैसा, इंसान तो वैसा। मोहब्बत अगर करनी तो फिर ऐसे वैसे की बात नहीं होती। अगर मोहब्बत है तो फिर ये बातें आती ही नहीं। बिल्कुल मोहब्बत है। और अगर आप चाहते हैं ना कि हाँ मेरे तो मेरे से तो भी लोग मोहब्बत नहीं करते, मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो करती रहती हूँ, तो फिर वो भी मोहब्बत नहीं हुआ। आप मोहब्बत नहीं करते हैं, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप उसके बदले में कुछ लेना चाहते हैं तो इसको मोहब्बत नहीं करते हैं। मोहब्बत तो बेलौस बेगरज होते हैं, उसी मोहब्बत करते हैं, उसी मोहब्बत कहते हैं। तो दावा मत करें आप मोहब्बत के, और मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत जो करते हैं वो गिले शिकवे करते ही नहीं किसी से कि वो फलां तो मेरे से मोहब्बत ही नहीं करते, वो फलां तो ऐसा नहीं करते, वो फलां तो ऐसे ही, उनको तो फिक्र ही नहीं है, उनको तो फलाइन ही नहीं है। मैं थका हुआ आता हूँ घर तो मेरे तो चाय तैयार नहीं होते, मैं तो फलां जो है ना मेरे तो मियाँ आते ही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और उनका तो मेरे से मोहब्बत ही नहीं है। या कुछ लोगों के दो दो शादियाँ होती है तो वो जो दो मेरा मतलब ये है कि एक शख्स है जिनके दो शादियाँ भी, आज आज मैं मिला हूँ तो आज मैं मिला हूँ। मगर इंसान में ये होना चाहिए कि दो शादियों को संभालने का जो ताकत है वो इंसान में होना चाहिए, और वो चुनके मोहब्बत से होते हैं वो सारा कुछ। जब इंसान मोहब्बत करते हैं तो फिर दो शादियों को भी संभाल सकते हैं, मगर थोड़ा एहतियात करें प्लीज़। मेरा मतलब है इस हवाले से बहुत एहतियात करें। बहरहाल मोहब्बत करें और सच्ची मोहब्बत करें, अपने से सबसे पहले मोहब्बत करें, सबसे पहले अपने से मोहब्बत करें, फिर आप अदर से मोहब्बत करेंगे। तो मोहब्बत का जो सिलसिला है और मोहब्बत का जो दुनिया है वो चलते रहेंगे, और मोहब्बत का मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, मोहब्बत के बात करते हैं और आपको लिंक्स भी देने खूबसूरत से, और साथ ही इंशाल्लाह अब एक और टिप बताऊँगा आपको मराकबे का, ब्रेक के बाद, एक ब्रेक। नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन मोहब्बत की बात हो रही थी, और मोहब्बत करने वाले करते हैं फिर मोहब्बत, फिर करते हैं, जो नहीं करते हैं मोहब्बत वो उनको मोहब्बत होते ही नहीं है। जो मोहब्बत करना नहीं चाहते, जो हासिल नहीं करना चाहते, वो मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत कैसे, मोहब्बत अपने से और अपने रब से मोहब्बत, डायरेक्टली कनेक्शन बनाएंगे, डायरेक्टली कनेक्शन। और कनेक्शन बनाने के लिए आपको मोहब्बत करना पड़ता है, तो मोहब्बत करें। अच्छा मोहब्बत कैसे करें, आराम से अपनी खूबसूरत आंखों को बंद करके आरामदेह हालत में बैठे, पुरसकून हालत में बैठे, खूबसूरत हालत में बैठे, और ऐसा ऐसा बैठे जैसा कि आप मोहब्बत कर रहे हैं, जैसा कि आप में मोहब्बत है, जैसा कि आप खुद मोहब्बत है, जैसा कि आप खुद ताकत है, और आप मोहब्बत से मिल रहे हैं।
मोहब्बत के से मिलने की कोशिश करें। कभी कभी आपने बड़ी शौक से, जब कभी आप मोहब्बत थे आपको किसी से भी मोहब्बत, तो उनके लिए क्या नहीं करते थे आप? घंटे घंटे फोन पे बात, घंटे घंटे बैठना उनके साथ, घंटे घंटे उनसे मिलने की कोशिश करना, कितना टाइम देते थे आप? अब मैं आपसे 5 मिनट ले लूँगा बस, और ऐसे मोहब्बत बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप खुद बताएंगे कि आपकी बॉडी की मोहब्बत, आपकी बीमारियाँ भी, मसाइल भी क्योर हो जाएंगे, और साथ ही एक हमारे कनेक्शन भी बन जाएंगे अल्लाह ताला के साथ। तो मोहब्बत जो है वो इस तरह के है कि सबसे पहले आरामदेह हालत में आलती पालती मार के, या फिर सोफे पे बैठे, या दो जानों के बैठे, कहाँ जहाँ पंजी पर बैठे, जानमाज पर बैठे, मस्जिद में बैठे, कहीं पे भी बैठे, किसी नेचुरल प्लेस में बैठे, घर पे बैठे, किसी भी जगह पे बैठे, आंखें बंद करें और मोहब्बत के एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें। सांस लें कि आप जिंदा है और आप बहुत बड़ी ताकत है, पावर है, और आप कनेक्ट है कायनात के साथ। ये सांस दिलाएं अपने आप को, ये देखें, गहरा सांस नाक से लेते जाए, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की एनर्जी, लतीफ मोहब्बत की एनर्जी आपके वजूद में आ रहे हैं, पूरी खूबसूरत से आपको सुकून मिल रहा है, हल्का बल मिल रहा है। 4 आप करेंगे, सिर्फ 4 सांस इसी तरह लेंगे। 4 सांस लेने के बाद आप थोड़ी देर बाद आंखें खोले, आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई आपके दिल में जो सफाई है, जो आपके जहन में जो सफाई, जो आपके रूह में सफाई है, जो कभी महसूस नहीं किया आपको, आपने कभी महसूस नहीं किए, और उस गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब मोहब्बत के मोहब्बत ही लगेंगे आपको, और यकीन माने रिस्पांस पे मिलेगा आपको। जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के रिस्पांस पे आपको मिल जाता है। अब आजमाएं, ये मैं आपसे बिल्कुल इस पे शर्त लगाता हूँ आपसे कि आप इसी तरह करें, इंशाल्लाह आप इसी तरह करें, आप खुद मुझे कॉल करेंगे और मुझे बताएंगे नतायज, इसके बेहतरीन नतायज आप मुझे बताएंगे। आप इस तरह करें बस 4 बार ये करके, आप देख लेना कि मोहब्बत क्या चीज़ है और कैसे आपकी दुनिया को बदल लेते हैं, कैसे लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आपसे मोहब्बत की एनर्जी निकलते हैं, दूसरों पे असर करते हैं, और जब मोहब्बत की एनर्जी आपसे निकलते हैं दूसरों पे असर करते हैं, वो एनर्जी कायनात में भी फैलते हैं और अल्लाह से भी मिलते हैं, और फिर अल्लाह आपसे बहुत राजी होते हैं। जितनी मर्जी इबादत करें, जब आप इंसान के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, अल्लाह राजी नहीं होते हैं इतना ज़्यादा जितना कि इंसान से मोहब्बत करें तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, बहुत राजी होते हैं। तो मुझे लिंक भी देना है, और वो भी इंशाल्लाह लिंक जो है ना दुआ का है, और आंखों की तलब हमें मौला दिखाई दे, और दूसरी बात यह है आंखों की तलब हमें मौला दिखाई दे, और एक और भी लिंक था, ये इंशाल्लाह आपको बताता है, हो सकता है इसमें 2 लिंक्स आपको मिल जाए, अगर ये एक ना हो तो 2 भी मैं हो सकता है, अगर टाइम हो तो, नहीं तो कल फिर अगले लिंक्स आपको मैं दे दूँगा, बेस्ट और बेहतरीन लिंक्स जो है। और इंसान मोहब्बत है, हमने कहा भी था आपको कि इंसान मोहब्बत है, और वो लिंक भी इंशाल्लाह आपको दोबारा भी देंगे और दे भी दिए थे कि जो है ना इंसान क्या है, इंसान महरू मोहब्बत है, इंसान क्या है, इंसान क्या है, महरू मोहब्बत का रूप है। तो इसी तरह इंसान महरू मोहब्बत का रूप है, और प्लीज़ मोहब्बत करें, आप लिंक को एंजॉय करें, और अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, मिलते हैं कल,
अल्लाह हाफिज। तलब हमें मौला दिखाए दे, आंखों की तलब हमें मौला दिखाए दे, कायनात के कायनात के जुर्म दे दिखा दे, कायनात के जुर्म दे दिखा दे, आंखों की तलब हमें मौला दिखाए दे। सारी कहकशां जल्दी चले निसार, तेरे तलाश ही लगे हैं मौसम, तेरे तलाश ही लगे हैं मौसम, लगे हैं मौसम, हर एक तेरे पीछे चलता दिखाई दे, कायनात के कायनात के जुर्म दे दिखा दे, कायनात के जुर्म दे दिखा दे। ये कायनात इतनी बड़ी, मैं फकत बशर, सोचूं जो अपने बारे में काबिल हूँ मुसहर, तेरे मगर है प्यार से किसको भला मफर, तेरे मगर है प्यार से किसको बला मफर, किसको बला मफर, उम्मीद का चराग ही जलता दिखाई दे, कायनात के कायनात की जुर्मटे दिखाई दे, कायनात के जुर्म दे दिखाई दे। दर्द का हुजूम है इतना कि मर गया, दामन है मेरे फिक्र का अश्कों से भर गया, खंजर सा एक सीने में
मेरे उतर गया खंजर सा एक सीने में मेरे उतर गया मेरे उतर गया। रोशन तेरे प्यार का रास्ता दिखाई दे कायनात के कायनात की जुर्मटे दिखाई दे कायनात की जुर्मटे दिखाई दे।